नए जुड़ रहे हैं, एक आप सबको बता दूं, माय टुडेज टॉपिक इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में फोर ऑप्शंस आर देयर, स्टैंडर्ड ऑप्शंस। इफ ओनली वन कंक्लूजन, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, मींस ये आपको स्टेटमेंट दी गई कि मॉर्निंग वॉक आर गुड फॉर हेल्थ। अगर आपको लगता है कि इसका कंक्लूजन ये होगा कि ऑल हेल्थी पीपल फॉर गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तो आप ऑप्शन ए चूज करेंगे। दूसरा, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, अगर आपको लगता है कि नहीं वन वाला तो फॉलो नहीं होगा, टू वाला हो सकता है। जैसे कोई आपको कहे कि मॉर्निंग वॉक आर गुड फॉर हेल्थ, और आपको लगता है कि जो दूसरे कंक्लूजन है कि फिर इवनिंग वॉक आर हार्मफुल, तो इसका मतलब फिर आप ऑप्शन बी चूज करेंगे। नेक्स्ट, इफ आइदर वन और टू, अब इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट वन को वन और टू दोनों फॉलो कर सकते हैं, आइदर वन और टू और बोथ। और तीसरा जो डी ऑप्शन है, सॉरी चौथा, इफ नाइदर वन नॉर टू फॉलोस, कि अगर वन भी नहीं फॉलो कर रहा और क्या नहीं फॉलो कर रहा, टू भी नहीं फॉलो कर रहा, ठीक। एंड ई क्या है, इफ बोथ वन एंड टू फॉलोस, कि वन और टू दोनों ही फॉलो करते हैं। अब आइए, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ये स्टेटमेंट थी। उसके हमने दो कंक्लूजन निकाले कि जो भी हेल्थी पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। दूसरा कंक्लूजन हमने ये फाइंड आउट किया कि इसका मतलब इवनिंग वॉक क्या होगी, हार्मफुल होगी। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सूटेबल होगा, ए बी सी और डी। आप बोल सकते हैं, मैंने आपको दो तीन क्वेश्चंस के लिए ओपन रखा है। हाँ जी, चलिए आपसे पूछता हूं, कोई भी मेरे को बताएगा। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे, अगर उसने कहा कि मॉर्निंग वॉक आर गुड फॉर हेल्थ, इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी हेल्थी पर्सन है वो सारे मॉर्निंग वॉक करते होंगे, ट्रू या फॉल्स बताइए। सॉरी, मैं अभी सबको ओपन कर रहा हूं, मैंने पहले कर नहीं पाया। फॉल्स हो सकता है, हम इससे कंक्लूड तो कर ही नहीं सकते कि जो मॉर्निंग वॉक करते हैं सिर्फ वही हेल्थी हैं। अच्छा, दूसरे वाला बताइए। फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ना तो वन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन डी टू। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अच्छा, अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप बताइए, किसी को क्वेश्चन के बारे में डाउट तो नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? वैसे क्वेश्चन तो चेंज होते हैं सर, इवनिंग वॉक सर हार्मफुल सर, ये समझ नहीं आया कैसे। नहीं नहीं बच्चे, ये ना हमें ऑलरेडी गिवन है, उसने ना हमें एक दी स्टेटमेंट कि ये स्टेटमेंट है, और फ्रॉम दैट स्टेटमेंट उसने हमें ये दो कंक्लूजन दे दिए, कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू, कि इस स्टेटमेंट से हम दो चीजें कंक्लूड कर रहे हैं। पहली तो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो हेल्दी पर्सन है वो मॉर्निंग वॉक करते हैं सारे के सारे। दूसरी, हम इसमें से ये कंक्लूड कर रहे हैं कि इवनिंग वॉक आर हार्मफुल। हमें बताना है कि ये जो उसने दो कंक्लूजन निकाले हैं, ये दोनों के दोनों ठीक हैं या इसमें से एक ठीक है, और उसके लिए हमें ऑप्शन दी हुई है, कौन कौन सी, ए बी सी डी एंड ई। समझे, तो हम इस लेवल पे इसके साथ चलें। कोई डाउट किसी को, एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर टू, फिर हम आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू रीड कीजिए, स्टेटमेंट है, कहता है कि किसी कंपनी ने प्रोडक्ट मार्केट की, गो अहेड परचेज इफ प्राइस एंड क्वालिटी आर योर कंसिडरेशन। कहता भी अगर आप प्राइस एंड क्वालिटी को कंसिडर करते हैं तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। अब उसका पहला कंक्लूजन देखिए, द प्रोडक्ट मस्ट बी गुड इन क्वालिटी। कहता भी इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी में क्या होगी, गुड होगी, ओके। दूसरा, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी रीजनेबल। कहता ये भी होगी
कि रीजनेबल हो। अब आपने मेरे को बताना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन होगा। हाँ, अब आप बच्चे, एक तो ना आप सबको ओपन करने का ये डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। एक चीज नोट कीजिए, उसने कहा कि गो अहेड परचेज इट इफ प्राइस एंड क्वालिटी आर योर कंसिडरेशन, कि आप खरीदने से पहले प्राइस को देखते हैं और क्वालिटी को देखते हैं तो फिर आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो देखो, पहले में तो उसने कहा है कि उसकी क्वालिटी गुड होगी, क्योंकि हम क्वालिटी गुड ही चाहते हैं, और दूसरा क्या है कि प्राइस रीजनेबल होगी, तो इसका मतलब हम प्राइस भी रीजनेबल चाहते हैं। तो इसका मतलब दोनों ही कंक्लूजन इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वी कैन हैप्पीली गो विद ऑप्शन ई। समझ रहे हो क्वेश्चन को? वेरी गुड, रिस्पॉन्ड कर दिया करो, यस नो। अभी आप सारे ओपन हो? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए। यस सर। अब आप थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए और इसको अपने पास रखिएगा, मैं किसी से रेंडमली पूछूं। स्टार्ट इट। हाँ जी बच्चे, हाँ जी बोल सकते हैं आप अपना अपना। एक मिनट प्लीज रुकिए 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 एक मिनट के लिए। ऑप्शन फिल कीजिए, आपके पास मैंने पोल दे दिया है, पहले आप पोल में फिल कीजिए, देन वी विल डिस्कस इट। और जब मैं आंसर बताऊंगा ना, आप भी सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे ऐसे आंसर दे रहे हो मेरे को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द आंसर्स। बच्चे ये लॉजिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम आ गए। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, चेक कीजिए। देखिए व्हाट ही सेड इन दिस पार्ट, ही सेड द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट। कहता है भी किसी प्रॉब्लम से बचने का एक बढ़िया तरीका होता है कि उसको सॉल्व कर। ये एक स्टेटमेंट, कीपिंग दिस स्टेटमेंट इन योर माइंड, हमने ये बताना था बच्चे। अब उसने कंक्लूड क्या किया, इसका मतलब कहता ये होगा कि योर लाइफ विल बी डल इफ यू डोंट फेस अ प्रॉब्लम। कहता है इसका मीनिंग ये होगा कि आपकी लाइफ क्या है, डल है अगर आप प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते। तो मेरे को नहीं लगता कि ये उससे कंक्लूड हो रहा है, शायद आपको भी ना लगे। टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम
यू शुड ऑलवेज हैव सम सॉल्यूशन विद यू। कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए ये होना चाहिए कि आपके पास उसका क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ जी, इसके बारे में क्या कहोगे एवरीबॉडी? Not true. तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या हैं? फॉल्स हैं। मतलब दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे अपने गिवन स्टेटमेंट को, और अगर दोनों नहीं फॉलो कर रहे तो हम किसके ऊपर किसको चूज करेंगे? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ऑप्शन को। ठीक है, तो आगे से थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सीखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को सीखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और। अच्छा, इसमें आपकी जीके साथ की साथ ही टेस्ट होती रहेगी, क्योंकि अगर आपको कुछ बेसिक्स पता है ठीक तो हम उसमें जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12, रीड इट। Very good. Poll is there. हाँ, मैंने poll इसीलिए launch नहीं किया था बच्चे, कि आप इसको conclude कर लीजिए, then we will check it out. Child labor तो I think सबने read किया होगा। चलिए आप पोल लगाते रहिएगा, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, पोल तो आपने ऑलमोस्ट सभी ने शो कर दिया। ही सेड कि आफ्टर द अमेंडमेंट 14 ईयर से बिलो, ठीक है, को कोई भी किसी फैक्ट्री या माइंस या किसी भी ऐसे डिफिकल्ट काम में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तो पहला कंक्लूजन क्या हुआ इसका? बिफोर दिस अमेंडमेंट Children below 14 year were employed to work in a factory or mine. कहता है इस अमेंडमेंट से पहले बच्चे काम कर सकते थे, पहला कंक्लूजन। दूसरा, the employer must now abide by this amendment to the constitution. तो पहले तो आप मेरे को ये बताइए, आपको पहली स्टेटमेंट के बारे में क्या लगता है? हाँ जी बच्चे, फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, एक हम सिंपल सी बात करेंगे, अगर पहले कर रहे थे तो फिर इन्होंने अमेंड किया ना कि नहीं कर सकते। अच्छा, नंबर टू आइए, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी तो इसका मतलब सारे अवॉइड हो गए उस रूल से। अच्छा, अब ऐसा मत सोचना कि नहीं जी मैंने तो देखा था एक बच्चा फैक्ट्री में काम कर रहा था, नहीं, एक जनरल कंक्लूजन ये होती है कि अब सभी उस रूल को फॉलो करेंगे। ओके, तो वी विल हैप्पीली गो विद ऑप्शन, हाँ जी, ई, वेरी गुड, चेक कीजिए ऑप्शन। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, इन क्वेश्चन की स्पेशलिटी पता क्या है? आप सभी को लगेगा, जिसने ए लगाया उसको भी ठीक लगेगा, जिसने बी लगाया उसको भी ठीक लगेगा, जिसने सी लगाया उसको भी ठीक लगेगा, बट एंड में जब आंसर आएगा फिर सबको गलत लगेगा।
ठीक, तो इसको थोड़ा सा, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई कुडंट हियर. ई ई ई ई. ओके सर. ठीक है, एक सर, बट ई वाज लाइक कि इट द सेकंड पॉइंट, बोथ ऑफ देम डू नॉट फॉलो. एक मिनट सर, ई ऑप्शन वाज लाइक दैट. ओके, एक मिनट, एक मिनट देखो. क्या बच्चे, एक मिनट, एक मिनट, इसका हमने ये कंक्लूड किया था ना कि बोथ ए एंड बी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ए एंड बी फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या माना था? नहीं बच्चे, ई है उसका. ये देखो, ओके सर, ओके सर, वन एंड टू फॉलोस. सर बाय मिस्टेक आई टुक डी ऑप्शन, लाइक इफ बोथ वन एंड टू फॉलो, दैट इज व्हाई आई फील्ड डी. चलिए कोई बात, तो मैंने इसीलिए कहा था पहले कंक्लूजन लिख लो. चलिए एक और आते हैं हम, 13. सर प्लीज एक्सप्लेन दिस वन कंक्लूजन सेकंड फॉर क्वेश्चन 12. बच्चे सिंपल सी बात है. अच्छा, अगर आपके सिटी के मजिस्ट्रेट कह दें कि कोरोना है, आपके सिटी में हमने कर्फ्यू लगा दिया, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि आप उसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर, आई हैव टू फॉलो. तो दैट्स व्हाई उसने कहा कि अगर अमेंडमेंट हो गई है तो जितने भी एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर का मतलब फैक्ट्री ओनर या माइंस के ओनर या कुछ भी, तो उनको इस रूल्स को मानना पड़ेगा. तो यस, ओके, चलिए 13 पे आइए. थर्टीन, मेरी आवाज आ रही है सबके पास? यस सर, यस सर. तो पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा. 13, गुड वॉइस तो आप में, आपकी भी कईयों की होगी, मेरे को तो पता है अपनी. ठीक, कि आप सबको ही पता है? पता है सर. ओके, गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इंप्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक. ये स्टेटमेंट दी गई किसी के द्वारा. फिर उसने कहा, नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर. कि जो नेचुरल होते हैं हमारे पास, वो नीड केयर एंड, ठीक, आपके पास आते हैं. ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड, ये ट्रू है. यस सर. दूसरा आ जाएगा, Even though your voice is not good, हाँ जी, what about second conclusion? So false. False. So true. क्या आएगा? True. True. दूसरा भी true आएगा. मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ बच्चे. सर ए ऑप्शन. अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बताओ, जैसे मेरी आवाज हो, अगर मैं प्रैक्टिस करता रहूं तो सिंगर बन जाऊंगा? यस सर, यस सर, बहुत सर, एकदम बिल्कुल बदल नहीं सकते. नहीं बच्चे, वो तो नेचुरल गिफ्ट है ना. हाँ, नेचुरल गिफ्ट है, उसको थोड़ा बहुत मिलता है, किसी को नहीं मिलता. हाँ, तो उसको थोड़ा बहुत नर्चर किया जा सकता है. बट आप, इसने इसने क्या कह दिया, इवन दो योर वॉइस इज नॉट गुड, कहता आपकी वॉइस अगर गुड नहीं है तो वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग. सर, प्रैक्टिस करने से किसे रोक सकता है? तो फिर वो प्रैक्टिस करके करेगा क्या, पहले ये बताओ.
तो बच्चे मेरे को लगता है कि जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है उसमें से हम सेकंड को किसी तरह से भी क्या नहीं कर सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते. तो फर्स्ट फॉलोज बट सेकंड नॉट, प्रैक्टिस. वो नहीं देखना आपने क्या देखा, गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट लिखा हुआ है ना, बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव. कि पहले तो आपको नेचुरल गिफ्ट मिलना चाहिए, हाँ उसको आप नर्चर कर सकते. अब अगर मेरे जैसा प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसका तो फिर वही हाल होगा 20 साल बाद जैसा अब है, ठीक है. हाँ अगर नेचुरल है, आपकी वॉइस अच्छी है, तो आप उसको क्या करेंगे, नर्चर करके और एक्सेल कर सकते. ओके तो इस पे हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ. सर इन व्हाट केस कैन बी राइट ऑप्शन सी, सी वॉइस सी. सर इन व्हाट केस कैन वी राइट ऑप्शन सी. अच्छा 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 आप पूछ रहे हो कि स्टार्टिंग में क्या है. सी में देखिए बच्चे. अच्छा इसमें ना एक एक चीज और बताऊं, इसमें ना सी और ए में बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है. सर ए बी सी व्यक्ति. अच्छा आप और का मतलब समझते हैं ना, और का मतलब क्या होता है कि वन फॉलो होगा और क्या फॉलो होगा, टू फॉलो होगा, मतलब दोनों में से एक होगा या दोनों होंगे. तो हम इस क्वेश्चन में ये मान के चलते हैं कि ये वाला ना थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट इसने गलत कर रखा है. ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल किसके साथ मैच कर रहा है, ए के साथ मैच कर रहा है. समझ रहे मेरी बात को. यस यस. क्योंकि ए में भी वन फॉलो है टू नॉट, और सी में है आइदर ए और बी. तो मैं ये यहां पे देख रहा हूं कि मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें किसी में भी क्या नहीं है, मेरे को सी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा. तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको इस तरह से क्या करेंगे, नहीं कंसिडर करेंगे. ठीक, तो सी ऑप्शन को अपने टाइम टेबल से निकाल दीजिए. तो हम ए बी डी और ई में से कंसिडर करें. गॉट इट. चलिए तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. अच्छा आपने ये कोटेशन तो सुनी होगी जो मैं अभी आपके साथ ये रखूंगा. रीड कीजिए एंड डिसाइड द सर. ए द पोल होगा सर. ए बिल्कुल बिल्कुल पोल दे रहा हूँ अभी, आप रीड कीजिए सर. ऑप्शन. अरे सर ऑप्शन है. एक मिनट आपके पास पोल आ रहा है. ए में फिल कीजिए, बी में फिल कीजिए, ई में फिल कीजिए, व्हाट एवर यू थिंक. चलिए वेरी गुड शालिनी. चलो शालिनी से पूछते हैं, शालिनी क्या कह रहे. ए बी सी डी ई. सी तो छोड़ दो. ओके यश, यश के पास हमारी नहीं जादरी. हर्षप्रीत सर ऑप्शन ई. फ्लोरेंस सर ऑप्शन ई. अदिति साहिलजीत कौर सर ऑप्शन ई. ऑप्शन ई. देखिए बिल्कुल आई एग्री विद ऑल ऑफ यू
इसका करेक्ट आंसर क्या है? ई है. देखिए हम इसको जस्टिफाई करते हैं. डेथ कीप्स नो कैलेंडर. तो इससे फर्स्ट कंक्लूजन कैसे किया बच्चे? फर्स्ट वाला ट्रू कैसे हो गया? सर नॉट ट्रू फॉल्स. सर इसमें फर्स्ट वाला सर कंक्लूड ही नहीं किया जा सकता. सर फॉल्स है. कंट्रोवर्सी सर. सर दोनों ट्रू हो गए. कंटिन्यू नहीं चेक करो ना. देखो क्या कहा उसने. डेथ कीप्स नो कैलेंडर कि इसका कोई कैलेंडर नहीं होता, मतलब कोई डेट नहीं बता सकता. ठीक है तो बच्चे अब क्या है? दूसरा तो बिल्कुल हो सकता है कि डेथ कीप्स नो कैलेंडर. तो दूसरे वाला तो आपने सबने ट्रू किया होगा कि इसका डायरेक्ट मीनिंग ये है कि कोई किसी की डेट नहीं बता सकता कि कब किसी का राम नाम होगा. ओके तो वी कैन नॉट से फ्रॉम दैट. बट अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फर्स्ट है. हाँ जी अब आप सबके आर्गुमेंट लूंगा. फर्स्ट में पहले वो बोलेंगे जिनको लगता है कि ये ट्रू है, डायरेक्टली फॉलो है. सर डेट कीप्स नो कैलेंडर क्योंकि सभी इंसान को एक दिन तो मरना ही है तो इससे कंक्लूड कर सकते हैं ना. अच्छा मैंने सर ये तो साथ कॉमन सेंस वर्तनी. बिल्कुल वर्तनी तो है बच्चे बट कॉमन सेंस वर्तनी अपने स्टेटमेंट को रीड करके. कॉमन सेंस उस स्टेटमेंट से बाहर वाली नहीं बरतनी. फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट एंड देन यूज योर कॉमन सेंस. सर डेथ कोई कैलेंडर नहीं रखती है, इसका मतलब सबको मरना ही है तभी तो डेथ की बात हो रही है. हाँ तो हम इसी बेस पे इन दोनों को कंक्लूड कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को, कि बोथ विल फॉलो द स्टेटमेंट. अच्छा अब बताओ ये बिल्कुल लॉजिकल है ना? बिल्कुल लॉजिकल. इसमें कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लग रही आपको. यू हैव टू कंक्लूड. और इसके लिए इसको कोई भी कंक्लूड कर सकता है अगर उसकी लैंग्वेज में उसको बता दिया जाए. चलिए एक और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लेते हैं. सर व्हाट विल बी इट्स आंसर? ई ई ई बचे. ट्वेंटी सिक्स पे आई. 26. मैं कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लो. आपको जब ये असाइनमेंट आएगी तो आपको इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. पोल में फिल कीजिए फिर बाद में डिस्कस करते हैं. एक बार एक्चुअली ना आपका आंसर इन्फ्लुएंस कर जाता है फिर दूसरों. अच्छा इसमें हम कितनी भी बहस कर सकते हैं, जो भी आप आंसर लगा रहे हो ना तो हम इसको कितना भी डिस्कस कर सकते हैं, आप उसको जस्टिफाई कर. बट मेरे को आप सब पहले ये बताइए क्या फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट कंक्लूजन है बच्चे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का? सर नॉट ट्रू. सर नो सर. अच्छा पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहला कौन सा? सारे एक जैसे थे तब भी अमीर गरीब तो थे ही ना. यस सर. सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कहा जाता है कि उसने कम किया था थोड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने. हाँ तो इसको हम क्या कह सकते हैं? हाँ पहले तो यही थे, रजवाड़े ही होते थे, बड़े बड़े राजे महाराजे,
और बाकी उनकी सब प्रजा। ओके तो फर्स्ट को हम क्या बोल देते हैं कि ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का करेक्ट कंक्लूजन है। अच्छा दूसरा, अभी अभी जो सी कैंडिडेट ने बोला था, तो इसका मतलब दूसरा क्या होगा? रेवोल्यूशन ओवरहॉल द सोसाइटी। बिल्कुल, इसमें काफी चेंज आए थे। और अभी आप देख लीजिए जो अभी कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया है, जोमैटो, ओके, और भी बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनको हमने कभी सुना ही नहीं था, एकदम से ही ऐसे, ठीक, आगे आगे। तो इससे हम ये कंक्लूड करेंगे, ऑप्शन वन कैन नॉट फॉलो बट टू फॉलो। तो ऑप्शन कौन सा था उसमें? बी, बी ऑप्शन, बी, ऑप्शन बी। ओके तो ये बी को ऑप्ट करने वाले की मैंने काउंटिंग आपको दिखा दी। आगे आइए सर, सेकंड फॉलो और सेकंड ऑल्सो नॉट, सेकंड फॉलो बच्चे, ओवरऑल दस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, सर पोल, पोल आएगा। अच्छा कर लिया कंक्लूड? अथर्वा, अथर्वा कैसे हो बच्चे, आज सुस्त लग रहे हो? यस सर। क्या बात हुई, टेम्परेचर लग रहा है? यस सर। चलो टेक केयर, वी ऑल प्रे फॉर चलिए लेट अस स्टार्ट विथ 33। अच्छा पहली स्टेटमेंट तो आप आंखें बंद करके बता सकते हैं। सॉरी मैं स्टेटमेंट बार बार यूज कर रहा हूँ, कंक्लूजन। तो कहीं से भी एडवर्ब फर्स्ट से हम स्टेटमेंट से पहले वाला कंक्लूड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट तो गया हमारे पास नॉट, सेकंड वाला सर ट्रू, सर सेकंड इज ट्रू, क्योंकि एडवर्सिटी का मतलब भी क्या होता है? अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, ऑब्स्टिकल्स। तो फिर सेकंड वाला तो उसको जस्टिफाई कर रहा है, तो फिर हम किस ऑप्शन पे दौड़े दौड़े जाएंगे? ऑप्शन बी, एंड चेक द आंसर्स, गॉट इट? यस सर, यस सर। चलिए आज बहुत लंबा चौड़े आपको क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा एक चीज और देखिए, जितनी छोटी स्टेटमेंट होगी ना उतना ही कंक्लूजन बहुत इजी होता है, जितनी बड़ी स्टेटमेंट होगी उतना ही कंफ्यूजन होगा। ओके 29, no country is absolutely self-dependent these days. अच्छा एक चीज बताइए, सेकंड वाली कंक्लूजन आपको क्या लग रही है? कैसे
इन रियलिटी ट्रू कैसे होगी सर? हो गए सारे सब लेजी सर लॉकडाउन में, सारे नहीं होते जब से ऑनलाइन चला है ना। यस सर, और अगर रात को भी एक बजे छोटी सी बीप आ जाए तो हमें पता चल जाता है हमारे फोन में कुछ आ गया। सर पहले जब चाहे तब काम भेज सकते हैं, अब तो एक फिक्स डेट है, नहीं भेजोगे तो भी पता चल जाता है। हाँ जी, तो बच्चे हम ये बड़े सिंपल से कह सकते हैं कि ये इसने कहा कि नो कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट इन दीज डेज। वेरी गुड, कोई भी कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि कोई भी कंट्री अपने रिक्वायरमेंट की जो भी है चीजें वो अपने कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये तो हम जानते ही कि अगर हर एक कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए तो इसका मीनिंग तो क्या होगा? इसका मीनिंग तो यही होगा ना, काम खुद ही कर लेंगे सर, भी सारे काम खुद ही कर लेंगे तो हम कहीं से भी कुछ भी, तो फिर तो सारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा कंट्री टू कंट्री। ओके, तो पहला ट्रू है, बट ये मत कंक्लूड कर देना बच्चे, इसको हम नहीं कह सकते। तो अब आप बेस्ट जा सकते हैं, फिर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के साथ जाओ। ठीक, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं एक और, फिर उसके बाद कुछ और दिखाऊंगा आपको। एक ना मेरे पीछे क्वेश्चन ध्यान में आया था, हाँ ये बड़ा आजकल चल रहा है इसलिए मेरे माइंड में आया था कि ये जरूर करा है। 40 इसका ऑप्शन वो आएगा जो हम छोड़ चुके हैं। यस सर, सी ऑप्शन। सी, समझ गए सी क्यों आया? यस सर, सी लगाए सर। देखो क्या कहा उसने, डोमेस्टिक डिमांड्स हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। अब देखिए इसका मतलब हमें क्रूड ऑयल क्या करना पड़ेगा, मस्ट बी इंपोर्टेड, कि उस डिमांड को पूरा करने के लिए या तो हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, या फिर हमें अपनी डोमेस्टिक डिमांड को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि या तो आप पहला कर लो फिर आपको दूसरा करने की जरूरत नहीं है, या फिर दूसरा कर लो फिर आपको पहला करने की जरूरत नहीं है। तो वी कैन से आइदर वन और टू। ओके, तो हम इसको किसके साथ जा सकते हैं? सी के साथ जा सकते सर। अगर ऐसा है तो ऑप्शन ए नहीं ले सकते? क्या नहीं ले सकते बच्चे? ऑप्शन ए बोथ फॉलोस। मैं मैंने वो नहीं कहा ना बच्चे, ए और सी में ना, ए और सी में ना बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए तो हमने सी को कट कर दिया था। अब देखिए ए में क्या था, ए में था वन फॉलोस इफ ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, कि एक फॉलो होगा दूसरा नहीं होगा,
या दूसरा फॉलो होगा, पहला फॉलो नहीं होगा, ये होगा ना, यही था ना। अब अपने वाले में क्या है कि अगर आप वन को फॉलो करोगे तो वो भी ठीक लगेगा, अगर आप टू को फॉलो करोगे तो वो भी ठीक लगेगा, बट आप साइमल्टेनियसली दोनों को फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप इम्पोर्ट करोगे तो दूसरे वाला छोड़ दोगे, अगर आप दूसरे वाला करोगे तो इम्पोर्ट छोड़ दोगे। तो इसलिए वो कंक्लूजन किस में चला गया, सी में चला गया। सर का मीनिंग क्या था? या तो वन ठीक होगा या सेकंड ठीक होगा। इफ ओनली कंक्लूजन, सॉरी ए का मीनिंग था इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली वन फॉलो वो ए था, सॉरी इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो वो बी था। इफ आइदर ए, हम थोड़ा सा पीछे गड़बड़ नहीं कर रहे भी, ए तो है ही क्या है कि ओनली वन, और बी क्या है ओनली टू, और सी क्या है आइदर वन और सर ए बी और सी में से हो सकता है, क्योंकि सर ई में सर जो बोथ दोनों सही है और सी में क्या है कि आइदर वन होगा और टू होगा, मींस दोनों सही होंगे तभी ये दोनों अलग अलग होंगे, अलग अलग, और यहाँ पर ई में दोनों सही है तो दोनों को कंक्लूड कर सकते हैं। कोई बात नहीं, जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो वो तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से ही आए, ठीक। ये मेरा बच्चे एक पार्ट था स्टेटमेंट का। अगर आपको याद हो तो हमने ये इसको पहले भी एक इसी तरह के क्वेश्चन में किया था। तो मेरा ये मानना है कि आपको असर्टेशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस डेफिनेटली इस तरह से क्या करे जाएंगे, पूछे जाए। फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चे किन चीजों की मैंने बात की, असर्टेशन एंड रीजनिंग में या केस स्टडी में, क्वेश्चंस में। एक चीज अच्छा और देखिएगा, मैं आपको ना केस स्टडी के क्वेश्चंस भेजूंगा इसमें, क्योंकि वो उनको यहाँ पे डिस्कस करना शायद थोड़ा सा क्या नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, ठीक। अच्छा, आज अभी जो मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं, तो रेडी हो जाइए अपनी कॉपी पेन लेके, तो कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करें, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन। ठीक, मैं यहां पे कुछ नंबर्स लिखूंगा बच्चे, ठीक। तो आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा नंबर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप है, ओके। जैसे ए 12, आपको मैं किसी को चांस नहीं दूंगा बोलने का, ठीक, आप सारे पोल में ही फिल करें, बाद में हम उसको कंक्लूड कर लेंगे। तो मैंने पोल पहले ही लॉन्च कर दिया, ठीक। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 49 एंड ऑप्शन ई 57, which number is different from the other four? अनुजा, व्हाट इज योर ऑप्शन? अब देखिए, थोड़ा सा आपको बताता हूं, अगर तो आप इवन ऑड वाला देखेंगे तो आप जाएंगे ए में। इसमें एक और स्ट्रॉन्ग चीज है, प्राइम एंड नॉन प्राइम, तो फिर आप जाएंगे सी में। बोलो किस में जाएं? हाँ जी, ऑप्शन सी। सर ऐसे तो ई के ऑप्शन सी, सी सर ऑप्शन
यस सर ऑप्शन ए भी प्राइम नंबर है सर इट इज डिविजिबल बाय 3 इट्स नॉट प्राइम बिकॉज़ इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 19 इट इज डिविजिबल बाय सर ऑप्शन ई से किसी और से होगा सर किसी और मेथड से होगा सर ए अच्छा जो ये बोल रहे थे ई प्राइम है थोड़ा ध्यान दें अपने आप के सर प्राइम नहीं है सर 3 से डिविजिबल है सर 49 भी हो सकता है सर बिकॉज़ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड नंबर 25 इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर सो नहीं बच्चे देखो 49 को कह रहे हो तो 25 भी होता है अकॉर्डिंग टू मी 37 वाले भी सही है ठीक क्योंकि ये डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ जा रहा है बट बुक वाले ने आंसर दिया है 37 मैं ये नहीं कह रहा कि 12 वाले गलत है ठीक मैंने कहा कि अगर मैं ये इस क्वेश्चन को देता तो मैं इस 12 की जगह कुछ और डाल ठीक नहीं नहीं बच्चे मैं तो कह रहा हूं कि दोनों सही है ठीक चलिए इसको तो आप पकड़ लेंगे बहुत अच्छी तरह से सर लास्ट में क्या लिखा है 28 सर पोल नहीं पोल नहीं वैसे ही बोलते जाओ अपना सर 28 28 सर बिल्कुल ही 28 सर ऑल परफेक्ट क्यूब्स एंड 28 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब यस सर ऑल आर क्यूब्स एंड 28 इज देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसको आप बड़े इजीली पकड़ लेंगे तो आपने पकड़ भी लिया चलिए एक और सर हाँ जी 216 भी तो हो सकता है क्या सर अगर हम लोग इनके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो सर 216 का सिर्फ ऑड आ रहा है बाकी सबका इवन आ रहा है वाह सर ऐसे तो बहुत ज्यादा मैथ्स करने नहीं आएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक वो आजकल आप मीट में नहीं देखते उसमें आता होता है बेटे मौज कर दी आप बोलते होते हैं ना यार सर ठीक है यस सर तो ये तो कुछ और सर ऐसे तो 120 हवे बन सकते हैं बिकॉज़ सर इट इज ऑड एंड अदर आर इवन सुना है ना सबने जो मैंने अभी कहा इवन है यस सर आता होता है बीच में है ना तो नहीं बच्चे हम इतना ज्यादा नहीं जाएंगे वैसे वेरी गुड बहुत अच्छा सोचा आपने दैट्स गुड 48 12 36 24 and 59 अब इसमें आ जाए Sir, 59. अच्छा आपने 59 को क्यों लिया बच्चे पहले तो ये बताओ सर बिकॉज अदर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 12 एक तो ऑड है सर दूसरा वो एक मिनट अभी मैं सबको रोक रहा हूँ एक तो हम 12 के मल्टीपल वाला लॉजिक छोड़ रहे हैं एक हम इवन ऑड वाला लॉजिक छोड़ रहे हैं उसके बाद तीसरा लॉजिक बताओ प्राइम नंबर सर प्राइम नंबर चलिए प्राइम नंबर वाला लॉजिक भी छोड़ रहे हैं और आइए और बताइए एक और लॉजिक डिविजिबिलिटी 3 वाला भी छोड़ रहे और बताइए 6 सर डिविजिबिलिटी पे 6 बच्चे वो तो आप जब 12 से डिविजिबल हो रहा 3 6 12 सर 4 8 किया तो आया 32 1 2 किया तो 2 3 6 तो 18 2 4 8 ये सारे इवन नंबर 5 9 तो 45 ऑड नंबर अच्छा एक चीज और देखिए जो मेरे माइंड में आ रही थी 4 का मल्टीपल 2 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा यस सर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यस सर ये भी बन गया 2 आएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा बट 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे
सर 10 आना चाहिए पर 9 आ रहा है। 10 आना चाहिए था सर, 10 आना। तो ये भी वैसा ही होगा ना बेटे मौज कर दी वाला। यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये भी लॉजिक हो सकता आपके पास। ओके, तो ओके सर, इन क्वेश्चंस को बच्चे आपने करना है। और अभी आपके पास मैं ये भेज दूंगा जो आज का था,